नमस्कार, मैं हूं आशीष राव, लाइव टीवी समाचार, लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। बहुउद्देशीय चिकित्सा शिविर और नशा उन्मूलन चौपाल का आयोजन। बहराइच 2 नवंबर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वावधान में आज भारत नेपाल सीमावर्ती जनजाति थारू बाहुल्य सोहनी बलई गाँव मिहीपुरवा में बहुउद्देशीय चिकित्सा शिविर और नशा उन्मूलन चौपाल का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित सैकड़ों थारू महिलाओं ने नशा मुक्त गांव बनाने का सामूहिक संकल्प लिया। धनतेरस पर्व के अवसर पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से थारू महिलाओं को जीवन उपयोगी और रसोई घर में उपयोगी सामानों और कंबल आदि का वितरण भी किया गया। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर हिमा बिंदु नायक ने कहा कि पीड़ित वंचित और उपेक्षित समाज की सेवा ही सबसे बड़ा मानव धर्म है। उन्होंने कहा कि थारू समाज का गौरवशाली इतिहास है। वे अपने आप को महाराणा प्रताप के वंशज होने का दावा करते हैं, लेकिन अशिक्षा और बेरोजगार होने के चलते थारू समाज राष्ट्र की मुख्य धारा में नहीं आ पा रहा है। यह सर्व सभ्य समाज के लिए विचारणीय है, विषय होना चाहिए। डॉक्टर हिमा बिंदु नायक ने कहा कि थारू समाज के उत्थान और सर्वांगीण विकास के लिए समाज कल्याण विभाग और अन्य विभागों से समन्वय बनाकर लोक कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाएगा, ताकि महिलाओं का जीवन सुखमय हो सके। जनपद के दुर्गम वन्य क्षेत्र से सटे बलई गांव रामलीला मैदान में आयोजित चौपाल में उपस्थित आदिवासी महिलाओं और पुरुषों का आह्वान करते हुए श्रीमती नायक ने कहा कि थारू समाज का पलायन रोकने और राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवाया जाए, ताकि ये लोग नशा से दूर रहकर परिवार, समाज और देश के निर्माण में सहभागी बन सके। जबकि अध्यक्षता मालवीय मिशन संरक्षक वरिष्ठ समाज सेवी कृष्णानंद शुक्ला ने किया। कृषि विज्ञान केंद्र प्रभारी बहराइच डॉक्टर विनायक साही ने उन्नतशील खेती के बारे में जानकारी दी। आगंतुक अतिथियों का गायत्री परिवार से संबद्ध महिलाओं रेखा श्रीवास्तव, मीना द्विवेदी और अनुराधा ने भारत माता का चित्र देकर सम्मानित किया। थारू समाज महिला नेत्री राजकुमारी के नेतृत्व में बालिका ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का सजीव प्रस्तुतिकरण कर लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम आयोजक की ओर से एडीओ पंचायत नरेश चंद्र श्रीवास्तव, थाना प्रभारी मोतीपुर और अन्य सहयोगी अधिकारियों को भारत माता चित्र देकर सम्मानित किया गया। लाइव टीवी समाचार के लिए बहराइच से संवाददाता शीतल प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।